तो आज हम लोग बात करेंगे एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। आज पुण्यतिथि भी है, 27 जुलाई 2015 के दिन हार्ट अटैक से एक कॉलेज में, शिलोंग में, मेघालय शिलोंग में उनकी डेथ हो गई थी। और आज 27 जुलाई को इस वीडियो को बनाने के पीछे कारण है कि उनका हिस्ट्री थोड़ा सा जानेंगे और उनके बारे में बात करेंगे। 15 अक्टूबर 1931 को उनकी पैदाइश होती है एक बहुत ही मिडिल क्लास परिवार में। और उनके पापा का नाम, जैसा कि मैंने मेंशन किया, जैनुल आबेदीन, मम्मी का नाम अशियम्मा। और कहाँ पैदा हुए थे, तो रामेश्वरम में पैदा हुए थे। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है कहीं कहीं कुछ कंपटीशन के एग्जाम में कि तमिलनाडु में एक रामेश्वरम जो जगह है। और उनकी डेथ कहाँ हुई थी, शिलोंग मेघालय में। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हायर, अभी हम लोग आ रहे हैं कि उनका कुछ कोर्स है उसको हम लोग जिसे डिटरमाइन करेंगे, ड्रीम्स के बारे में, कि सपने वो नहीं होते जो नींद में आए, सपने वो नहीं होते जो नींद में आए, सपने वो होते हैं जिन्हें देख लो तो उसके बगैर नींद ना आए, उसको पूरा किए बगैर नींद नहीं आए। उन्होंने कहा था कि सपने पूरा करने के लिए सबसे पहले सपने देखना जरूरी है। हायर स्टडी जो उनकी हुई है 1950 में, बेसिक स्टडी जो भी हुई उनकी मिडिल क्लास स्टडी, मिडिल स्कूल की, वो उनके निजी जगह पे ही हुई है। लेकिन हायर स्टडीज के बारे में बात करेंगे हम लोग, तो 1950 में सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचप्पल्ली में, ये याद रखेंगे, तिरुचप्पल्ली में है। और हम लोग जानते हैं कि वो अखबार भी बांटा करते थे अपने प्रारंभिक दिनों में, अपने शुरुआती एज में। इसके अलावा हम लोग देखेंगे दोस्तों कि 19 एरोनॉटिकल इंजीनियर थे वो, एरोनॉटिकल मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में वो सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट रह चुके हैं, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट रिसर्चर रह चुके हैं। इसके अलावा हम लोग देखेंगे दोस्तों कि जब उन्होंने बताया कि मुझे ये जो बर्ड्स है, बर्ड्स की तरह इंसान नहीं उड़ सकता है क्या, तो उनके टीचर्स ने बताया था, और टीचर्स का नाम मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके लिए है कि उनके टीचर्स कौन थे, उनके गुरुजी कौन थे जो ये बातें उनको बताए थे कि ये जो बर्ड्स है वो तुम भी उड़ सकते हो एक दिन पायलट बनकर। इसलिए उनका शौक जो था कि पायलट बनना है मुझे, लेकिन पायलट से भी बड़े बन गए है ना, वो साइंटिस्ट बन गए। और इसरो के साइंटिस्ट, इतने बड़े साइंटिस्ट, उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है दोस्तों, हम लोग देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद इनकी जो जर्नी शुरू होती है स्पेस रिसर्च में, स्पेस रिसर्च जो आपका है इसरो, वहाँ पे भी इनको उस कमेटी में थे और बहुत सारी मिसाइल को डिजाइन की। और 1998 का जो पोखरण वाला, हम लोगों को ये भूलना नहीं चाहिए, जिसमें हमने जो ये बनाया, क्या बोलते हैं, जो हमने ये बनाया था, उसको भूल रहे हैं तो जैसा कि हम लोग जानते हैं पोखरण में जो टेस्ट हुआ था, परमाणु मिसाइल जो इंडिया को मिल पाया, उनका सबसे बड़ा योगदान है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि उनको जो अवार्ड मिले हैं, पद्म भूषण और भारत रत्न, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है। और हम जानते हैं कि 2002 से लेकर 2007 तक वो प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, और ये पीपुल्स प्रेसिडेंट थे, लोगों के प्रेसिडेंट थे। इससे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है, विंग्स ऑफ फायर लिखा है, और बहुत सारा इनके ऊपर किताब लिखा जा चुका है दोस्तों, आप लोग जाकर के देख भी सकते हैं। इस वीडियो को बनाने के पीछे सबसे बड़ा जो मकसद था, अवगत कराना कि आज 27 जुलाई है और 27 जुलाई को पुण्यतिथि हम लोग मनाते हैं। और पुण्यतिथि इसलिए मनाते हैं क्योंकि वो एक लिविंग लेजेंड थे। ये ऐसे इंसान थे जो कि बाइबल भी पढ़ते थे, कुरान भी पढ़ते थे, गीता भी पढ़ते थे, हर किताबों का अध्ययन करके अपने आप को न किसी रिलीजन से बॉन्ड किए, न किसी पंथ से बॉन्ड किए। इन्होंने एक ह्यूमैनिटी की एक जीता जागता मिसाल खुद को बना करके, और ये गया कॉलेज में जिस वक्त आए थे, मुझे आज भी याद है 2009 में जब गया कॉलेज में आए थे, तो लगभग लगभग लोग, पूरी गया की जो आवाम थी वो सड़क पर निकल चुकी थी और देखने के लिए, कि लिविंग लेजेंड को लोग देखना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं। तो ये लिविंग लेजेंड हम लोगों के समय में थे। डेथ इनकी जो डिमाइज हुई है ना, देर इज अ डिमाइज इन 2015 ऑन 27 जुलाई। सो रियली इन्होंने बहुत कुछ दिया है, जैसे कि इतने सारे कोर्स इनके पड़े हुए हैं,
जाकर के आप देख सकते हो। कोट्स को मैं मेंशन इस वीडियो में नहीं कर रहा हूँ, कभी वीडियो बनाऊंगा कोट्स से रिलेटेड, बहुत सारे कोट्स हैं, यानी कि आपके लाइफ जर्नी के लिए बहुत अच्छा संदेश देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।